म्यूजिक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी लॉन्च हुए एक न्यू डिवाइस के बारे में या मोबाइल के बारे में। दरअसल मैंने कुछ टाइम पहले Redmi 6 Pro को इंडिया में लॉन्च किया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा मैं आपके सामने। कितने प्राइस में ये रहता है, कौन सा वेरियंट आपको ख़रीदना चाहिए और क्या इसमें खास बातें हैं और क्या नहीं, तो वो सभी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की पैकिंग हमें Redmi 6 Pro की देखने को मिल जाती है। ये हमारा 4 कलर में अवेलेबल रहता है। ऊपर की तरफ लिखा है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। देन बैक साइड में हम चलते हैं तो ऊपर लिखा है Redmi 6 Pro। देन उसके बाद जो कैमरा की डिटेल इसमें मेंशन है, जैसे बैक जो कैमरा है 12+5 मेगापिक्सल AI ड्यूल कैमरा, जो इसका अपर्चर रहता है 1.25 माइक्रोन। देन उसके बाद इसकी स्क्रीन जो साइज़ है वो रहता है 5.84 इंचेस। और उसके बाद बैटरी है इसमें 4000 mAh की। अगर हम बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 में प्रोसेसर दिया गया है और नीचे लिखा है मेड इन इंडिया। और जो मेरे पास ये वेरिएंट है दरअसल 4GB 64GB है ब्लैक कलर में। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ले लेते हैं नाइफ। तो बॉक्स ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ Redmi 6 Pro देखने को मिल जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में। बात करते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दरअसल इसमें केस रहता है मोबाइल फ़ोन का और बैक साइड में यूज़र मैनुअल दी गई है। तो केस भी मैं आपको निकाल के शो कर देता हूँ। तो इस तरह का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें केस दिया गया है। इनको रखते हैं अभी साइड में और बात करते हैं इनके अडाप्टर के बारे में। तो इसमें हमारे पास एक अडाप्टर आता है जो कि हमारा 2 एम्पियर का ही रहता है, मेड इन इंडिया। और उसके बाद इसमें चार्जिंग के लिए डाटा केबल या डाटा ट्रांसफ़र के लिए ये केबल मिल जाती है जो माइक्रो USB रहती है। और उसके बाद नीचे की तरफ इसमें सिम इजेक्टर टूल रहता है। तो इनको रखते हैं साइड में और बात करते हैं फ़ोन के बारे में। तो कुछ इस तरह की लुकिंग हमें Redmi 6 Pro की देखने को मिल जाती है। बैक साइड में ड्यूल कैमरा दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये कैमरा हमारा 12 मेगापिक्सल का रहता है, दूसरा रहता है 5 मेगापिक्सल का। बीच में फ्लैश लाइट रहती है। नीचे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि थिकनेस है जो इस बैक पैनल की काफ़ी कम लग रही है जो पहले Redmi के मोबाइल फ़ोन आते थे। तो इस रैपर को उतार लेते हैं। तो उसके बाद नीचे की तरफ मी का लोगो दिया गया है। चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जैसे Redmi 4 में स्पीकर और एक साइड हमें माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। बीच में हमारा माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट रहता है चार्जिंग के लिए। और चलते हैं साइड में। तो नीचे की तरफ पावर ऑन ऑफ के लिए बटन, ऊपर की तरफ वॉल्यूम अप डाउन रोकर्स बटन रहते हैं। तो ऊपर की तरफ इसमें 3.5 mm जैक दिया गया है हेडफोन के लिए। और साइड में IR ब्लास्टर प्लस सेकेंडरी माइक्रोफोन रहता है। और इसकी दूसरी साइड अगर मैं चलूँ तो इसमें तो सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो अब मैं इसको सिम ट्रे को निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। डेडिकेटेड या हमें हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलेगी। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की इसमें ट्रे रहती है जिसमें 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। दरअसल अब जो Redmi ने 6 सीरीज लॉन्च की है उनमें सब में ड्यूल वोल्टेज सपोर्ट आ रहा है कि हम इस मोबाइल फ़ोन में 2 Jio की सिम एक साथ को यूज़ ला सकते हैं। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, रैपर को उतार लेता हूँ फ्रंट साइड से। तो ऑन हो गया। तो इसमें थोड़ी ऑप्शन आएंगे उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ फ्रंट की तरफ। तो आगे की तरफ इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है। देन उसके आगे की तरफ इसमें फ्रंट स्पीकर दिया गया है और एक इसमें बेसिक हमारा सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सेटअप पासवर्ड का एक ऑप्शन आया, मैं फिंगरप्रिंट इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो उसके बाद मुझे एक पैटर्न डालना पड़ेगा कि ताकि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर लूँ रॉन्ग तो पैटर्न भर के मैं खोल सकूँ। तो गॉट इट। एक बेसिक सा पैटर्न मैं इसमें फिल कर लेता हूँ। दरअसल इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये एक पैटर्न मैंने रख लिया। तो कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं बैक साइड में फिंगर को ऐड कर लूँगा। तो मेरी फिंगर ऐड हो गई। देन ओके प्रेस कर लेंगे। देन उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेते हैं हम।
तो लोडिंग ऐप इसमें कुछ टाइम लेता है। तो हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया, देन उसके बाद फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ इस तरह का इसमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का ये रहता है, MIUI इसमें है। तो उसके बाद मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। दरअसल जो मेरे पास ये मॉडल है, ये 64 GB वेरियंट है, Redmi 6 Pro मॉडल नंबर, देन उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन 8.1, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ MIUI की तो N9.6 इसमें MIUI दिया गया है। दरअसल 10 का अपडेट इसमें जल्दी आ जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं रैम कहूँ तो मेरे पास 4 GB और 64 GB वेरियंट है, तो 4 GB रैम। इंटरनल स्टोरेज हमें यूज़ करने के लिए 53 GB मिल जाती है। अगर मेरे पास 32 GB वेरियंट है तो हमें 25 के करीब यूज़ करने के लिए स्टोरेज मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं बैक और कर लेते हैं इसका कैमरा टेस्ट, किस तरह किसकी कैमरा परफॉर्मेंस रहती है। तो बैक कैमरा से मैं कोई फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने ये फ़ोटो क्लिक की तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे इसके कैमरा की देखने को मिल रही है। तो अब मैं एक फ़ोटो और फ्रंट कैमरा से क्लिक कर देता हूँ। दरअसल अंधेरा काफ़ी है जिसके कारण ये थोड़ी इसमें परछाई वगैरह आ गई। तो मैं और फ़ोटो क्लिक करके सेल्फी से और बैक कैमरा से आपको शो कर दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी स्क्रीन साइज़ रहती है 5.84 इंचीज़। ऊपर की तरफ हमें नोच तो देखने में मिल ही जाती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी के बारे में, दरअसल इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है। और इसका जो बैक पैनल रहता है वो मेटल में रहता है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लुकिंग देखने को मिल रही है। दरअसल इस फ़ोन को देख कर मुझे रेडमी 5 प्रो की याद आ जाती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के बारे में कि कितनी एक्यूरेसी से वो काम करता है, तो मैंने इसमें ऑन करते हुए फिंगर ऐड की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूं काफ़ी एक्यूरेसी से ये काम करता है। जैसे मैंने फिंगर लगाई, लॉक ओपन हो जाता है। तो अब मैं इसमें फेस अनलॉक के लिए फेस ऐड कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा लॉक में, देन उसके बाद ऐड फेस डाटा, तो एक पैटर्न में भरना पड़ेगा जो मैंने इसमें ऐड किया था। देन उसके बाद मैं इसमें फेस को ऐड कर लूँगा नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो मेरा फेस इसमें ऐड हो चुका है। तो अब देखते हैं फेस अनलॉक कितनी एक्यूरेसी से काम करता है। तो जैसे ही मैंने लॉक के बटन पर क्लिक किया और मेरा फेस सामने आया, तो एक साथ से ये अनलॉक हो जाता है। काफ़ी अच्छी स्पीड मुझे इसके फेस अनलॉक की देखने को मिल रही है, और फिंगर प्रिंट भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी से काम कर जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस के बारे में। दरअसल ये मोबाइल फ़ोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक रहता है 4 GB 64 GB और दूसरा है 3 GB 32 GB। तो जो इनका प्राइस रहता है, दरअसल 2000 रुपये का डिफरेंस है। एक रहता है 11000 रुपये में और एक रहता है 13000 रुपये में। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 11000 रुपये में जो 3 32 में वेरियंट है वो खरीदें, क्योंकि हमें 1 GB रैम और 32 GB रोम के लिए एक्स्ट्रा 2000 पे करने पड़ रहे हैं। दरअसल ये डेडिकेटेड सिम ट्रे और मेमोरी कार्ड ट्रे इसमें है, तो हम 2000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगाएं, हम मेमोरी कार्ड खरीद के इसमें आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरी तो यही राय होगी कि अगर आपको ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है Redmi 6 Pro, तो 11000 वाला वेरिएंट ही ख़रीदें। अगर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इस मोबाइल फ़ोन को आसानी से ख़रीद सकते हो। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त मित्र और आपके फैमिली मेम्बर जान सकें कि हमारे पास कुछ इस तरह के या इस रेंज में मोबाइल फ़ोन रहते हैं मी की तरफ से। और अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए वीडियो से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।